दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना के भरवारा में आपसी जमीनी विवाद में मारपीट कर किया घायल डीएमसीएच में भर्ती। समस्तीपुर के धर्मपुर में मारपीट में एक व्यक्ति घायल डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा जिला परिषद सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रजा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे नेतागण। दरभंगा डीएमसीएच के बीएससी नर्सिंग कॉलेज की छात्रों को अभी तक नहीं मिला छात्रावास की सुविधा। दरभंगा डीएमसीएच के केंद्रीय ओपीडी जांच घर में उद्घाटन के तीसरे दिन ही चरमराई व्यवस्था। लहरिया सदर थाना की पुलिस ने नकली टैग लगा जींस पैंट बेचने वाले को किया गिरफ्तार। दरभंगा एयरपोर्ट पर मखाना स्टॉल खोलने के लिए आज से शुरू होगा काम। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला जल स्वच्छता समिति की हुई बैठक। बाजार समिति शिवधारा दरभंगा में बनाए गए मतगणना हॉल के आसपास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा हुआ लागू। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने अलीनगर मोहल्ले से नशे की हालत में हंगामा करते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा नगर निगम प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर किया सूचना का प्रसारण। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना के भड़वारा में जमीनी विवाद पूर्व से चल रहे थे, जिसमें घर बनाने लगा। इस पर पुलिस पहुंचकर काम को रोक दिया। इसके बाद फिर वो काम प्रारंभ किया। बाद में जब मुतीउर रहमान रोकने गए तो लाठी डंडे से मारकर इनको घायल कर दिया। बाद में गंभीर स्थिति में इन्हें दरभंगा डीएमसीएच भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। जमीनी विवाद में घर बना हुआ है, उसको 3 साल से मैटर चल रहा है। उसको जमीन नो ढुरमरा जर्मन कब्जा की हुआ, जमीन पौड़िया आई समी अहमद पवन। उसके बाद में हम जो से थाना नहीं सुनवाई लिया तो यहाँ भेजे, यहाँ आई जी करें। आई जी जो से एक्शन किया हुआ थाना को, थाना जो इसे नहीं एक्शन किया, समझिए। कल जो से भेजे आवे के लिए कहेंगे तो बोला कि आज कबाड़ा बाबा बोले, डबल बाबू बोले, कहीं हम छुट्टी में से कोई मैडम था छोटा दरोगा था उसको भेजे, है ना। कोई घटना हो गया था तो नहीं पहुँचे, रात में पुलिस आया, रात में पुलिस आया तो उसको थम थम कर दिया। आगना घेरा था, ये घर बनाने था, छतवाली घेराया था, उस वजह के रोक लगा दिया रात में कि इस पर काम नहीं होगा। दिन के फिर चालू लेबर के लिए काम चालू करने लगा, बुझे ना। उस पर हम सब बोले कि भाई जब पुलिस जो है रोक लगा दिया प्रशासन, इस पर काम का कर रहे हैं, क्या किया बेदखल करके आया। वो जो से लाठी पैना डंटा गरासा सब लेकर के एक गरासा हमको ही मारा। समस्तीपुर के विभूतिपुर में भोज खाकर लौट रहे एक युवक को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने पकड़ कर घेरा, मारपीट की। उसके बाद कुछ अन्य लड़कों को बुलाकर मारा पीटा। कहा जाता है कि बाद में पीछे से आ रहे इसके दोस्त की भी मोबाइल छीन ली। 112 नंबर पर फ़ोन करके बाद में बुलाया गया और घायल युवक को दरभंगा डीएमसीएच भेजा गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। भोज खा के आ रहे रास्ता में है न, पीछा किया, धक्का मार दिया और एक बार गिर गए। तब पहले तो 2 आदमी था ही, 25 लड़का को फ़ोन किया, मायने लगा और दोनों दोस्त जो मेरे साथ था उसका भी मोबाइल छीन लिया, मेरा भी मोबाइल छीन लिया। एक का नाम है बुक्कुर, बुकलुबा नाम है बुकलुबा, एगो का नाम है बउआ,
और उसकी माँ का नाम नहीं जानता, वही दो आदमी का नाम जानता। पहले से भी कोई लड़ाई झगड़ा था? जी नहीं, सिर्फ धक्का के कारण मारपीट हो गया, क्या पता भगवान जाने। से दरभंगा के जिला परिषद सभागार में आज बड़ी संख्या में पंचायत एवं प्रखंडों के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से संबंध रखने वाले नेता पहुंचे, जिन्हें बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार में तमाम योजनाओं के लाभ जनता को नहीं मिलने पर उसे अवगत कराया जाएगा। एक नई शुरुआत दरभंगा जिला में हम लोग करने जा रहे हैं, प्रजा संवाद। इस कार्यक्रम के तहत लोजपा रामविलास के नेतागण, कार्यकर्तागण हर एक पंचायत स्तर पर उस क्षेत्र की समस्या के लिए जाएंगे और उसका उचित निदान जिस भी विभाग का भी होगा उसके पदाधिकारियों से मिलकर, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यहाँ से लेके प्रदेश की समस्या हो, केंद्र की समस्या हो, क्षेत्र से जो भी समस्या आएगा उसका उचित निदान हम लोग करेंगे और सारी जानकारी हमारे प्रजा संवाद के वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगी। आदेश के बाद भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को वैकल्पित छात्रावास भवन नहीं मिल रहा है। डीएमसी के प्रचार व बीएससी नर्सिंग कॉलेज के प्रचार ने पावर ग्रिड विश्राम सदन में तत्काल छात्रावास उपलब्ध कराने का पत्र भेजा था, लेकिन एक पखवाड़े के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई पहल नहीं की है, जिस वजह से छात्र काफी परेशान है। दरभंगा डीएमसीएच के केंद्रीय ओपीडी में पैथोलॉजिकल जांच घर के उद्घाटन के तीसरे दिन ही व्यवस्था चरमरा गई। केंद्रीय ओपीडी के मरीज खून का नमूना देने के लिए दर दर भटकने लगे। दो दिन पूर्व प्रचार और अधीक्षक ने केंद्रीय ओपीडी में पैथोलॉजिकल जांच घर का उद्घाटन किया था तो मरीजों के चेहरे खिल उठे थे। लगा था कि केंद्रीय ओपीडी के करीब 3000 मरीजों को अब रोज लाभ मिलने लगेगा। आपको बता दें कि दूसरे दिन जैसे तैसे जांच घर में मरीजों के खून के नमूने लिए गए, वही तीसरे दिन तो जांच घर का टेक्नीशियन व डाटा ऑपरेटर दिन के 11:30 बजे तक नहीं पहुंचे थे। दूसरी ओर दूर दराज जिले से आए मरीज विभिन्न विभाग में जांच पड़ताल कराकर चिकित्सक की सलाह पर खून के नमूने देने के लिए इस जांच घर में आने लगे। देखते ही देखते इस जांच घर के सामने लंबी लाइन लग गई। अन्य मरीजों को दूसरे विभाग में जाने आने में भी परेशानी होने लगी। इधर इस जांच घर के स्टाफ नर्स ने मरीजों के नाम रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसी बीच किसी ने अधीक्षक डॉक्टर अलका झा को मरीजों की पीड़ा की जानकारी मोबाइल फोन पर दी। अधीक्षक ने विभाग के अधिकारी को उस जांच घर में मरीजों के खून के नमूने लेने का निर्देश दिया। इसके बाद दो कर्मी पहुंचे, फिर मरीजों के खून के नमूने लेने का काम शुरू हो पाया। लहरियासराय थाना की पुलिस ने बाकरगंज स्थित गुदड़ी बाजार में एक कपड़े की दुकान में छापेमारी कर नकली टैग लगाकर जीन्स पैंट बरामद किया। इसके बाद दुकानदार सरवर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि फाइल जीन्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर परविंदर सिंह ने दुकानदार के खिलाफ शिकायत की थी। छापेमारी में 100 से अधिक पैंट में नकली टैग पाया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर मखाना का स्टॉल खोलने के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर के बाद दरभंगा डीएम राजीव रोशन ने पत्र जारी कर दिया है। जिन दो कारोबारियों को स्टॉल खोलने के लिए पत्र दिया गया है उनसे आज से ही अपना स्टॉल लगाने का काम शुरू करने को कहा गया है। इसकी पुष्टि सहायक निदेशक उधान आभा कुमारी ने की है। उन्हें बताया कि कारोबारियों को स्टॉल के मासिक शुल्क का निर्धारण एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर मखाना स्टॉल के लिए पिछले दिनों दो कारोबारियों को 75-75 स्क्वायर मीटर की जगह दी गई है। अब जिलाधिकारी राजीव रोशन से स्वीकृति मिलते ही एयरपोर्ट पर स्टॉल खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
एयरपोर्ट पर मखाना स्टॉल के लिए ई शर्वन राय और भुवन सरावगी को जगह का आवंटन हुआ है। जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला जल स्वच्छता समिति के जिला समन्वयक प्रशांत कुमार द्वारा बताया गया कि 152 ग्राम पंचायतों में SLWM के लिए प्रखंडों के सभी चिन्हित 152 ग्राम पंचायतों की DPR प्राप्त हो गया। समिति द्वारा अनुमोदित करते हुए तुरंत काम कराने का निर्देश दिया गया। स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले खरीदारी को लेकर जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रखंड स्तर पर एक निगरानी एवं अनुसरण समिति उसके लिए गठित की जाती है, जो यह देखेंगे कि किसी पंचायत के सामग्री क्रय करने पर अन्य पंचायतों की तुलना में 10% से अधिक का विचलन तो नहीं है। दरभंगा अनुमंडल दंडाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए कहा गया है कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 के अवसर पर नगर परिषद जाले नगर पंचायत कमतौल अहियारी में मतदान 9 जून को प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक एवं मतगणना 11 जून को प्रातः 8 बजे से बाजार समिति शिवधारा दरभंगा में निर्धारित है। उन्होंने कहा कि उक्त परिप्रेक्ष्य में चुनाव कराने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक प्रतीत होता है। उक्त के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी चंद्रिमा अत्री द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973(2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से नगर परिषद जाले नगर पंचायत कमतौल अहियारी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति तक एवं EVM संग्रहण स्थल तथा मतगणना स्थल पर प्रातः 6 बजे से मतगणना कार्य समाप्ति तक विधि व्यवस्था संधारण हेतु स्थल के आसपास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने अली नगर मोहल्ले से एक व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम राजेंद्र महतो है। इसके पिता का नाम स्वर्गीय नथनी महतो है, जो नशे की हालत में हंगामा कर रहा था। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शुक्रवार को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा राजेंद्र मार्केट गुदरी बाजार एवं अनुमंडल कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस के पास के साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी के आवास के सामने मुख्य पथ पर सड़क को अतिक्रमण कर रहे लोगों को सूचना देते हुए कई बातों का जिक्र किया। सूचना प्रसारण करने के दौरान नगर निगम के कर्मियों ने सूचना देते हुए सभी अतिक्रमणकारियों से कहा कि जो भी लोग नाले को अतिक्रमित कर अपनी दुकानदारी या फिर कुछ कार्य कर रहे हैं, वैसे लोग आज यह अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा शनिवार को उनके सामानों को जब्त करते हुए उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सभी को कड़ी हिदायत दी कि आने वाले दिनों में भी इस प्रकार का अतिक्रमण नाले पर न करें, नहीं तो भारी जुर्माना अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा।